हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ दोस्तों अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, बादल एजुकेशनल गुरु पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड, कि आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो कब तक होगी और कब तक नहीं होगी, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर एक आगामी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और पहुंचता रहे भविष्य में, क्योंकि दोस्तों यहाँ से मिलती है आपको एक सटीक इन्फॉर्मेशन और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहता है। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता होगा कि आपका जीएनएम फर्स्ट राउंड हो चुका है, काउंसलिंग का जीएनएम फर्स्ट राउंड हो चुका है और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का अपवर्ड मूवमेंट भी हो चुका है। तो आपको पता होगा कि अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद में आपकी अपवर्ड मूवमेंट की जो लास्ट डेट थी वो थी आपकी कितनी, वो थी आपकी 15 मई थी। यानी कल आपकी जो भी है सारी प्रोसीजर हो गया था, मंडे के दिन आपका जो भी है ख़त्म हो गई थी, जो भी रिपोर्टिंग थी वो खत्म हो गई थी आपकी अपवर्ड मूवमेंट काउंसलिंग की, ठीक है ना। तो अपवर्ड मूवमेंट में जिन भी विद्यार्थियों को कॉलेज मिला था उन्होंने 15 मई तक आपकी जो भी है रिपोर्टिंग करवा ली होगी। हमें सभी से यहाँ पर उम्मीद है, जितने भी स्टूडेंट्स थे 300 या 400 जितने भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर कॉलेज मिला था अपवर्ड मूवमेंट में, सभी विद्यार्थियों ने आपकी जो है रिपोर्टिंग करवा ली कॉलेज में। अब बात करते हैं सभी स्टूडेंट्स का, अब एक ही कमेंट आ रहा है कि सर जो भी है हमारा जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है वो कब तक होगी और कब तक नहीं होगी, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आपको जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग है तो उसकी यहाँ पर जो एक्सेप्टेड डेट है वो डेट हम आपको बता दे रहे हैं। एक डेट काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे कि सर आपने पहले बताया था, हमने पहले डेट बताई थी लेकिन हमने पहले ये बताया था। अगर आपके यहाँ तो आपका जो भी है अपवर्ड मूवमेंट एंड आपकी सेकेंड काउंसलिंग एक साथ साथ हो सकती हैं, या आपका अपवर्ड मूवमेंट पहले होगा तो आपकी सेकेंड काउंसलिंग का जो डिले जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि देखो इन चीज़ों में आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो आपका अपवर्ड मूवमेंट की हमने बोला तो आपका अपवर्ड मूवमेंट हो गया और अपवर्ड मूवमेंट की जो भी है रिजल्ट आ गया और उसकी रिपोर्टिंग सारी प्रक्रिया है वो हो गई है अब। यानी कहने का तात्पर्य है अपवर्ड मूवमेंट आपका खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग की। तो आपका जो सेकंड काउंसलिंग है वो सेकंड काउंसलिंग होने की पूरी संभावना है कि आपकी 20 मई तक आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। यानी 21 मई तक आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी सभी विद्यार्थियों की। आप सेकंड काउंसलिंग का वेट करो बस थोड़ा, 21 मई तक आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। और 21 मई को स्टार्ट कर दी जाएगी तो आप समझ सकते हो कि मई में आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना। मई में आपकी जो सेकंड काउंसलिंग है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी रिपोर्टिंग वगैरह सारी जो प्रक्रिया है वो ख़त्म हो जाएगी। और जो भी है राष्ट्र स्वास्थ्य की गाइडेंस भी यही कहती है कि आपकी जो मई में जो है 20 मई यानी 20 मई से आपका जो नोटिफिकेशन है वो डाल दिया जाएगा। तो आप चिंता ना करो, 20 मई तक वेट कीजिए सभी विद्यार्थी। अब आपको इतना वेट करते आ रहे हैं आप लास्ट से अब तक, तो अब और वेट करो। अब जो आपकी अंतिम घड़ी चल रही है, ठीक है ना, अब आप सभी विद्यार्थियों की अंतिम घड़ी चल रही है, ये अंतिम घड़ी चल रही है। इस अंतिम घड़ी में आप चिंता मत करो, सभी विद्यार्थी संतुष्ट रहो। और हम आपको एक और स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आपकी जो भी कट ऑफ रहेगी सेकंड काउंसलिंग में और किस प्रकार से सीट है, किस किस को कॉलेज मिलेगा, उसके बारे में एक फुल ट्यूटोरियल वीडियो आएगा, उसको हम आपको बता देंगे। और इस वीडियो में ओनली फॉर आपकी जो भी है सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सेकंड राउंड काउंसलिंग है आपकी लास्ट वीक तक, ठीक है ना, लास्ट वीक तक खत्म हो जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है जल्दी अगर वो डाल देते हैं 20-21 तक डाल देते हैं तो आपकी जो सेकेंड काउंसलिंग है वो 31 मई तक यानी पूरा प्रोसेस है हो जाएगा आपकी सेकंड काउंसलिंग का। तो आप वेट कर लीजिए सभी विद्यार्थी, ये आपकी सेकंड काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन आ गई है। अब आप सभी विद्यार्थी मई तक वेट करें, ठीक है ना, 20 मई तक वेट करें, 20 और 21 मई तक वेट करें, तो आपको ये नोटिफिकेशन कोई ना कोई नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और हम डिपार्टमेंट में बात करके आपको कोई भी ऑफिशियल प्रूफ बता देंगे कि ये प्रक्रिया है और ये प्रोसीजर अब तक वहाँ तक चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप मई मान के चलो। और बात करते हैं हम आपसे, और कोई भी स्टूडेंट्स हो जिनकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और बाकी आपका अपवर्ड मूवमेंट का सारा प्रोसेस हो चुका है, अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं सभी विद्यार्थियों को। और जैसे ही आपका सेकंड काउंसलिंग होता है तो सेकंड काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वगैरह और कॉलेज वगैरह के बारे में हम बता देंगे। हाँ एक डाउट और है विद्यार्थियों का, कि सभी विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हाँ कि सेकेंड काउंसलिंग होगा तो उसमें हमें चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन दिया जाएगा क्या? हाँ दोस्तों बिल्कुल, जैसे आपने फर्स्ट राउंड किया था ना सेम उसी प्रकार से आपका सेकेंड राउंड होगा, सेकेंड राउंड भी उसी प्रकार होगा जिस प्रकार आपका फर्स्ट राउंड हुआ था। लेकिन आपको क्या है, फीस है जो फीस जमा नहीं करानी पड़ेगी, 500 रुपये जितने भी रुपए आपने जमा किए थे वो रुपए आपको जमा नहीं करवाने होंगे, फीस नहीं देनी होगी। बाकी आपको कॉलेज भर सकते हो, कॉलेज हटा सकते हो, कॉलेज घटा सकते हो, ठीक है ना, घटा सकते हो, कॉलेज को बढ़ा सकते हो। आप कहने का मतलब ये ऊपर नीचे कर सकते हो, अप डाउन
कर सकते हो कॉलेजों को। आप जैसे मान के चलो कोई विद्यार्थी है कॉलेज चॉइस फिलिंग कर रहा है, किसी जैसे प्राइवेट गलत भर आ गया तो उसको हटा करके दूसरी कॉलेज भर सकते हैं। इस प्रकार आपको कहने का मतलब है चॉइस फिलिंग का ऑप्शन मिलता है, उसमें आप अपनी मनपसंद की चॉइस फिलिंग भर सकते हो, अपनी जो भी कॉलेज लेना चाहते हो वो ले सकते हो। और अगर कोई भी सीट मैट्रिक्स आता है, जैसे ही अगर सीट मैट्रिक्स आता है तो हम आपको बता देंगे कि सीट मैट्रिक्स में किस प्रकार से कॉलेज है किस प्रकार से नहीं है, और जिन भी विद्यार्थियों की कम परसेंटाइल है तो वो अच्छी तरह गाइडेंस ले लें, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज जो भी है अच्छी तरह गाइडेंस ले लें हमसे, ताकि हम आपको और बता दें कि किस प्रकार आपको चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी हम सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि किस प्रकार करनी है किस प्रकार नहीं करनी है। बाकी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, सभी विद्यार्थियों के लिए चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें आप कॉलेज भर सकते हो, ठीक है ना। और आपकी ना कोई फीस लगेगी उसमें, बस जो आपने फर्स्ट में फीस दी थी वही फीस रहेगी आपकी। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट्स करते हैं कि सर इसमें फीस द्वारा से लगेगा, फिर से फीस नहीं लगेगी, इसमें आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा सभी विद्यार्थियों को। बाकी ऐसा कोई डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, अगर कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो इंस्टाग्राम पर भी हम आपसे पर्सनली कनेक्ट रह सकते हैं, वहाँ भी हम रोजाना स्टोरी मेंशन करते रहते हैं तो वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आईडी मेंशन कर रखी है तो इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम आपसे बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।